सो गाइस देखो कितना ब्यूटीफुल नेचर लग रहा है, एकदम नेचर वाइब्स। कितना अच्छा एनवायरनमेंट है और मौसम बहुत ज़्यादा कूल था। और हम जब भी बाहर जाते हैं मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इस टाइम तो जयपुर का कुछ ज़्यादा ही अच्छा मौसम चल रहा है। सो गाइस हम आ चुके हैं गणेश मंदिर मोती डोंगरी। देखिए ये कितना सुंदर किला है, कितना प्यारा फोर्ट है। और ये मंदिर जयपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है गाइज। यहाँ आके बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है हमें। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज आज मैं आई हूँ मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर, जो जयपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं गणेश मंदिर टेंपल, जो जयपुर का बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, जहाँ पे राजा महाराजाओं ने मंदिर बनाया था। ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पे ये व्लॉगिंग कर रहे हैं। और गाइज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है गणेश मंदिर मोती डोंगरी आकर। अभी हम अंदर दर्शन करने जाएंगे और ये मैं आ गई हूँ। इधर हम दोनों चप्पल जूते जो होते हैं वो उतारेंगे, उतार कर ये प्रसाद लेने जाएंगे। ये अपनी स्लिप उतार रहे थे और प्रसाद हमने ले लिया और हम अंदर आ गए हैं। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो गाइस भीड़ थी और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इस टाइम गणेश जी का श्रृंगार हो रहा था। सो मैं दर्शन करने के बाद शेड्स आ गई थी, क्योंकि मुझे करवाना था थ्रेडिंग और फॉरहेड करवाना था, क्योंकि मैं अपने फेस पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और ये मैम बहुत ज़्यादा क्यूट है, लेकिन ये मैम मेरे पेन बहुत कम करती है, क्योंकि गाइस जब मैं थ्रेडिंग बनवाती हूँ बहुत ज़्यादा पेन होता है। और यहाँ की सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैम भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं यहीं आती हूँ थ्रेडिंग वगैरह करवाने। मैम थोड़ा शाय हो रहे थे। सो गाइस सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने घर में कर लिए गणेश जी महाराज की पूजा और यहाँ मैं आरती सभी जगह मंदिर घर में कर रही हूँ। और गाइस व्लॉग को पूरा देखना, लाइक कमेंट कर।